दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश यानी यूपीपीसीएल के ग्रामीण क्षेत्र के बिजली के उपभोक्ता यूपीपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना अकाउंट कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। दोस्तों एक बार अगर आप अपना अकाउंट यूपीपीसीएल के वेबसाइट पर रजिस्टर कर लेते हैं तो आप उस अकाउंट के थ्रू बहुत सारे काम है जो ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अपना पुराना बिल देखना है, बिल हिस्ट्री देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। पुराना कंजम्पशन हिस्ट्री देखना है तो आप देख सकते हैं। अगर आपका बिल नहीं बन रहा है तो अपना बिल खुद भी बना सकते हैं। बहुत सारे डिटेल है जो आप वहां से देख सकते हैं। बहुत सारे कंप्लेन है जो आप घर बैठे अपने लॉगिन अकाउंट से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि यूपीपीसीएल के ग्रामीण क्षेत्र के जो बिजली के उपभोक्ता हैं वो अपना अकाउंट यूपीपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे रजिस्टर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट upenergy.in ओपन करना है। दोस्तों ये वेबसाइट आपको ओपन करना है upenergy.in। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आप इसमें थोड़ा सा नीचे आ जाइए। आप देखिए यहाँ पे कंज्यूमर कॉर्नर में आपको एक बिल पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको बिल पेमेंट रूरल पे क्लिक करना है। हम लोग ग्रामीण एरिया के लिए देख रहे हैं इसलिए हम लोग बिल पेमेंट रूरल एरिया पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक नया टैब ओपन हो गया। आप यहाँ पे नीचे आके देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है उपभोक्ता लॉगिन। अगर आप एक बार अकाउंट बना लेंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आप लॉगिन करना होगा। अभी हम लोग चूंकि अपना अकाउंट नहीं बनाए हैं तो हम लोग यहाँ पे पहले लॉगिन करते हैं। इसके लिए आप लॉगिन पे क्लिक करिए। आप अगर अकाउंट बनाए रहेंगे तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके रजिस्टर करना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ रजिस्टरिंग भी लिखा हुआ है कि आप अगर रजिस्टर करते हैं तो आपको क्या क्या फायदा होने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए ऑनलाइन अकाउंट एक्सेस 24/7 है, व्यू योर बिल, कंप्लेंट कर सकते हैं, कस्टमाइज नोटिफिकेशन कर सकते हैं, बिलिंग एंड कंजम्पशन हिस्ट्री देख सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, सेल बिल जनरेशन आप अपना बिल खुद से बना सकते हैं। तो बहुत सारे फैसिलिटी है जो आप रजिस्टर करने के बाद से ले सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं, कैसे रजिस्टर करेंगे वो देख लेते हैं। दोस्तों इसमें सबसे ऊपर आपको अपना अकाउंट नंबर, जो भी आपका बिजली बिल का अकाउंट नंबर है, जो 12 डिजिट का आपका अकाउंट नंबर होगा रूरल क्षेत्र में, वो आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। तो हम लोग अपना अकाउंट डालते हैं। उसके बाद से आपको सर्विस कनेक्शन नंबर छोड़ सकते हैं। उसके बाद से आपको पासवर्ड डालना है। आप जो भी पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे आप डाल लीजिए। उसके नीचे आपको ये स्टेटस बताता है कि आपका जो पासवर्ड आप सेट कर रहे हैं वो स्ट्रांग है, वीक है, क्या है। हमारा पासवर्ड स्ट्रांग है। आप अल्फाबेट और डिजिट का कम्बिनेशन डालेंगे तो स्ट्रांग आ जाएगा। फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है, दोबारा से वही पासवर्ड आपको डालना है। उसके नीचे आपको पूरा नाम डालना है, नाम डाल दीजिए। उसके बाद से आपको मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों आप सही से मोबाइल नंबर डालिएगा क्योंकि इसी नंबर पर आपको OTP आएगा जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद से आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। उसके नीचे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। इस सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से आप अपना जब भी अगर पासवर्ड भूल जाएंगे तो आप इसके मदद से मतलब फिर से अपना पासवर्ड रिकवर करेंगे, उसमें रिकवर करने में आपको हेल्प करेगा। तो हम लोग एक कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप उसको आंसर यहाँ पे फिट कर दीजिए। ये आंसर आपको याद होना चाहिए, जब भी आप भूलेंगे आपको फिर ये क्वेश्चन और आंसर पूछा जाएगा। उसके नीचे आपको अगर आप बिल अलर्ट चाहते हैं SMS के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से तो इस दोनों बॉक्स को, चेक बॉक्स को ऑन कर दीजिए। इसके थ्रू आपको बिल अलर्ट का मैसेज आएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद से नीचे एक कैप्चा है जिसको आपको यहाँ देख के फिल करना है। अगर आपको ये कैप्चा नहीं दिखता है सही से तो आप रीलोड करके दूसरा कैप्चा लोड कर सकते हैं। हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर देते हैं और नीचे ये जो चेक बॉक्स है टर्म्स एंड कंडीशन का उसको चेक कर दीजिए, यानी कि आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपको आपके अकाउंट का एक OTP आ जाएगा। जो भी अपने अकाउंट अभी रजिस्टर किया उसका एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपका जो अकाउंट यहाँ पे OTP आता है वो डिजिट में नहीं रहता है, 1-2-3 नहीं रहता है, यहाँ पे अल्फाबेट में आता है। तो आपको यहाँ पे OTP सही से डालना है, कैपिटल में है ये, और ये OTP डाल के आपको वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देना है। आप देखिए OTP सही है इसलिए हमारा आ गया, यहाँ पे मैसेज आ गया यूजर हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो भी अकाउंट है वो एक्टिवेट हो गया। अब हम चाहें तो उस अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपका जो भी 12 डिजिट का अकाउंट नंबर था जो कंज्यूमर आईडी है उसको ऊपर डालना है। तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं। उसके नीचे आपको पासवर्ड जो आपने अभी क्रिएट किया है, जो पासवर्ड आपने डाला है अभी अकाउंट क्रिएट करने टाइम में, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन करना है। नीचे आपको कैप्चा ये दोनों जोड़ देना है, 8 और 14 दोनों जोड़ के यहाँ पे भर देना है और लॉगिन पे क्लिक करिए।
देखिए हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं लॉग आउट का, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं, और ये माई अकाउंट टैब में अभी हम लोग ओपन है। यहाँ पे आपको आपका करंट बिल का स्टेटस दिख रहा है, आपका जो भी बिल बकाया है वो यहाँ पे दिख रहा है। आप अपना जो अकाउंट नंबर है इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी इसमें फैसिलिटी है, जो भी ऑप्शन है आपके पास आ जाएंगे। इसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल गए, पहला अकाउंट इन्फो है, फिर यहाँ पे कंजम्पशन हिस्ट्री है, आप यहाँ पे क्लिक करके अपना कंजम्पशन हिस्ट्री देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करके आप बिल हिस्ट्री देख सकते हैं, यहाँ पे सेल्फ बिल जनरेशन है, अगर आपका बिल नहीं बन रहा है तो आप खुद से भी अपना बिल बना सकते हैं। यहाँ पे अपना पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं, कब कब आपने कितना पेमेंट किया है वो हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन है, अगर आप ऑनलाइन कंप्लेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट है, यहाँ पे भी कुछ कुछ सर्विस के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेटर है, तो ये सारी सुविधा आपको घर बैठे आप ले सकते हैं अगर आप अपने अकाउंट रजिस्टर कर लेते हैं। तो अभी जैसे अगर आप कंजम्पशन हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। आप देखिए यहाँ पे आपका कंजम्पशन हिस्ट्री देखने लगा, किस मंथ में कितना रीडिंग बना है, देखिए आपको किस डेट में नंबर ऑफ डेज कितना है, प्रीवियस रीडिंग कितना था, प्रेजेंट रीडिंग कितना था, कितना कंजम्पशन था, एरियर कितना था, टोटल अमाउंट क्या था, ये आप देख सकते हैं। अगर आप पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप कितना पेमेंट कब आपने किया है वो भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ देख लीजिए कब कब आपने कितना पेमेंट किया है वो आप यहाँ पे पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से UPPCL के ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता UPPCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों का ऑनलाइन लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।